हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमबीए टू जेड। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट समथिंग 1 ईयर ऑफ एमबीए, क्योंकि 1 ईयर ऑफ एमबीए के लिए अब क्या है ना, जो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बोलते रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ साल का एक्सपीरियंस हो जाने के बाद का ना, 2 साल का एक्सपीरियंस करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस मतलब जो है क्या ना, जो लाएगा आपको, फिर आपको 3-4 साल एक्सपीरियंस होगा, फिर लाएगा कि हम एक तो एमबीए करूँ। तो 4-5 साल आपको नौकरी करने के बाद ना आपको लगेगा कि जी मैं 1 ईयर का एमबीए करूँ। तो 1 ईयर एमबीए, इंटरनेशनल एमबीए कहाँ अच्छा है, तो इसके लिए मैं आज बात करूँगा। तो उसके लिए क्या है ना, मेरे वीडियो को जरा सा लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी इसको जरा सा 1000 करो, ठीक है ना। 1000 नहीं करने से क्या होगा ना, जो आपको बेनिफिटेड नहीं आएगा। आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि जे सबको इसको वीडियो को शेयर करो, क्योंकि इस टाइप का इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर देखिए टोटल इन्फॉर्मेशन मैं ही दे देता हूँ अकेला, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग, एंड यू नो दैट वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन इज दैट इफ यू विल परसू, क्या है ना, जब कुछ साल एक्सपीरियंस के बाद आपको 2 साल करने लगोगे ना, क्या होगा ना, फिर आपको क्या होगा ना, आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा क्लासरूम जाके, तभी तो जाके आपको नौकरी मिलने वाला है। उसके बाद क्या है ना, जो वो जो आपको जो एक्सपीरियंस करके आए हो ना, उसका बेनिफिट ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन 1 साल का, 1 ईयर का एक्सपीरियंस में हो सकता है कि आपका कोई कंपनी का आपको सीईओ बना देगा, कोई कंपनी का सीटीओ बना देगा, कोई कंपनी का सीएफओ बना देगा, कोई कंपनी का सीओओ बना देगा, ठीक है ना। सो ऐसे ही होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक देखें, मेरा वीडियो को थोड़ा शेयर करो, ठीक है ना। तभी जाके आपको क्या है ना, जो बेनिफिटेशन होगा ना, आपका भी बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पर से कुछ कॉमेंट आएगा, हो सकता है कि लाइव सेशन में आपको बहुत तगड़ा अच्छा कुछ हेल्पिंग मिलेगा। लेकिन क्या ना, ऐसे नहीं हेल्पिंग मिलता है, क्योंकि आपको देखिए ना, उसके लिए आपको करना बहुत ज़बरदस्त कोशिश करना पड़ेगा, तभी तो जाके आपको ये होगा। उसके लिए क्या है ना, जो मैं आज बात करूँगा थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्न के यूनिवर्सिटी के बारे में, दैट इज केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, ठीक है ना। उसका फाउंडेड है 1908, ओके, दैट इज अ बिजनेस स्कूल, दैट इज ऑब्वियसली प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट स्कूल, बट दैट इज द मोस्ट प्रेस्टियस बिजनेस स्कूल इन आवर वर्ल्ड। सो आज मैं बात करूंगा, यहाँ पर देखिए 1 ईयर का एमबीए का मैं प्रोग्राम खोल कर रखा हुआ, यहाँ पर एप्लीकेशन अप्लाई नाउ, रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, कैंपस टूर एंड अटेंड द इवेंट है। तो अप्लाई करने का जो आपको क्वेश्चन ये है, यहाँ पर देखिए वो जो है 50 ईयर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, 50 साल का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस है। उसके बाद देखिए सब यहाँ पर प्रेसिडेंट है, कोई सीईओ है, कोई फॉर्मर चेयरमैन है, ये सब उसका पोस्ट है, ठीक है ना। तो इट विल बी स्टार्ट इन जून एंड 200 कोर्सेज आर देयर एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड फिनिश फास्टर एज बिकॉज दैट इज अ 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम। सो प्री एनरोलमेंट कोर्सेज आर देयर, द स्टेटिस्टिक्स रिकॉर्ड मटेरियल इज देयर, इकोनॉमिक्स रिकॉर्ड मटेरियल एंड मार्केटिंग रिकॉर्ड एंड ऑपरेशंस रिकॉर्ड मटेरियल, ओके। सो इन दिस कोर्स क्या होता है ना, स्टूडेंट लोगों को हर चीज़ जानना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, तो तभी जाके आपको क्या होगा ना, बहुत अच्छा से ये मिलेगा। तो वर्क एक्सपीरियंस, एपी क्रेडिट्स एंड सीएमए सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रीवियसली कंप्लीटेड ऑनलाइन फॉर्मेट आर नॉट एक्सपेक्टेड, ओके। द ट्रांसक्रिप्ट ग्रेजुएशन डेट मस्ट फॉल विद इन द 10 ईयर्स ऑफ द एप्लीकेशन सबमिशन एंड द कोर्स मस्ट बी कंप्लीटेड विद ए ग्रेड ऑफ बी और लेटर, ओके। द अबव कोर्स देयर इज स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड मटेरियल, दैट इज इकोनॉमिक्स रिकॉर्ड मटेरियल, मार्केटिंग रिकॉर्ड मटेरियल एंड ऑपरेशन रिकॉर्ड मटेरियल। इट इज मोस्ट टिपिकल बट नॉट रिक्वायर्ड बट आर स्टूडेंट टू हैव अंडर ग्रेजुएट बिजनेस डिग्री टू मीट दिस रिक्वायरमेंट्स, प्लीज सी बिलो द पीडीएफ फाइल द रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, ओके। सो फॉर दिस अबव कोर्सेज, दैट इज नॉट फॉर द एप्लीकेशन, ओके। सो दिस इज द थिंग। एंड एकेडमिक में जो है, देखिए ये वो एकेडमिक में केलॉग 1 ईयर स्टूडेंट्स एनरोल विद बिजनेस फंडामेंटल एंड इमीडिएटली बिल्ड फॉर दिस फाउंडेशन, बहुत अच्छा स्कोर स्कूल है भाई, ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम आप खोज नहीं सकते कितना अच्छा है। वहाँ पर देखिए 7 मेजर्स है, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, कितना आप देख पा रहे हैं कितना पता नहीं, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ उसको, ठीक है। वहाँ पर देखिए 7 मेजर्स है, क्या कह रहे हैं, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, स्ट्रेटेजी, मैनेजिंग ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट साइंसेज। दैन मैनेजमेंट साइंसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट कोर्सेज एंड हियर ऑल्सो एक्सप्लोर पाथवेज फॉर डेटा एनालिटिक्स, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, एंटरप्रेनरशिप, ग्रोथ एंड स्केलिंग, हेल्थ केयर एंड केलॉग, रियल एस्टेट एंड सोशल इम्पैक्ट एंड वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी और मोर, ओके। सो दिस इज द थिंग। एंड इफ यू अप्लाई फॉर द फुल टाइम के स्टूडेंट्स हु मैट्रिकुलेट इन जून 15 और आफ्टर, अप्लाईज टू फुल टाइम स्टूडेंट्स हु मैट्रिकुलेट इन जून 15 और आफ्टर। सो हियर दिस इज द थिंग। एंड एप्लीकेशन डेडलाइन इज
सेप्टेम्बर 14, 22 एंड राउंड टू का है जनवरी 10, 23 एंड राउंड थ्री का है अप्रैल 5, 23। ओके सो दिस इज़ द 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम फ्रॉम केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। सो दिस इज़ द थिंग एंड एकेडमिक्स का बात करेंगे हम तो ये तो बहुत बड़ा भाई एकेडमिक्स है इसका, तो मैंने अब सोच ही नहीं सकते है कि ये क्या है नहीं है। एंड देयर इज़ नो सच ऑफ एज। ओके एंड एज मतलब क्या है ना, जे मैंने मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई एज का कोई ये नहीं है, लिमिट नहीं है, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जे वही मैंने आपको जो 30 साल है कि आपको 28 साल आपका जो एज का जो ये है मैंने लिमिट है, वैसे नहीं है भाई। ऐसे यहाँ पर 48% फीमेल है, 52% मेल है, 38% आपको इंटरनेशनल कैंडिडेट है, 37% यूएस माइनॉरिटीज़ है, वो तो रहेगा यूएस का, ठीक है ना। तो फिर 503 इज़ द क्लास साइजेस, सो दिस इज द एशियन है 52, अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ द ओनली द बेस्ट बिजनेस स्कूल इज दैट 3.7 एवरेज पैकेज जीपीए था वो, एंड 729 था एवरेज जीमेट, 620 से 780 रेंज हो चुका है। एंड मीडियन जी 163 था क्वांट का एंड 162 का मीडियन था वर्बल का, एंड मैक्सिमम 169, 170 का था। टॉप 5 टारगेट पोस्ट ऑफ केलॉग इज फाइनेंशियल सर्विस, गवर्नमेंट, एडुकेशन, नॉन प्रॉफिट, कस्टमर प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, आधार, मिलिटरी, हेल्थ केयर, बायोफार्मा, मीडिया, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग से आ चुका है। उसके बाद क्या है ना जी, यहाँ पर देखिए मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ आपको दैट हाउ टू अप्लाई दैट प्रोग्राम। ओके सो यहाँ पर देखिए आपको डिग्री प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ये अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन। ओके स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन, एडमिशन प्रोसेस इज हियर एंड दैट इन केस ऑफ चेकआउट आवर यूट्यूब चैनल एंड सी क्यू सी कैन फ्रॉम थ्रू वीडियो इंटरव्यू यू कैन सी दैट एंड वी लुक फॉर द कैंडिडेट्स एंड अप्रोच बिजनेस प्रॉब्लम इन ए मिक्स एंड हार्ड सॉफ्ट स्किल्स, बिलीव इन स्ट्रॉन्ग एम्पैथेटिक कोलाबोरेशन, सीक टू अडैप्ट द इवॉल्विंग बिजनेस वर्ल्ड इन द ओपन क्यूरियोसिटी, इनोवेशन एंड एम्ब्रेस द पावर ऑफ डाइवर्सिटी इन योर टर्म्स एंड नेटवर्क, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल गोल्स, लीडरशिप इम्पैक्ट, इंटरपर्सनल स्किल एट्सेट्रा एट्सेट्रा आपको चाहिए। लेकिन एलिजिबिलिटी जो क्या है मैं 1 साल का बता रहा हूँ आपको, बैचलर्स डिग्री, इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एक्रेडिटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी का जरूरत है, प्रीवियस स्टडी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड विथ एन एक्सेप्शन ऑफ ए 1 ईयर प्रोग्राम, स्टडी इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड विथ एन एक्सेप्शन फॉर स्टडी वन ईयर, सिंस मच ऑफ द एमबीए करिकुलम यूटिलाइजेस क्वांटिटेटिव स्किल, वी एनकरेज स्टूडेंट्स टू कम्प्लीट इंट्रोडक्टरी कोर्सेज इन कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक्स प्रायर टू एनरोलिंग। ओके सो दैट इज डिफरेंट, बट यू नो दैट इज दैट कोर्स व्हाट एवर आई टोल्ड दैट 4 कोर्सेज आर देयर, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स कोर्स को आपको कम्प्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही है इवेल्यूशन ऑफ असेसमेंट, व्हेन यू इवेल्यूएट आवर एप्लीकेशन ए फ्यू क्वांटिटीज रियली स्टैंड आउट अस इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू पुश पार्ट पास्ट कम्फर्ट जोन्स एंड क्वेश्चन द नॉर्म एंड द क्वालिटी हेल्प अस अंडरस्टैंड इफ एन एप्लीकेंट इज रेडी टू रियलाइज ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट कम टू ज्वाइनिंग केलॉग्स। सो एप्लीकेशन रेस्पॉन्सेस है एंड एसेज है, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपको, जीमेट जीआरएस को, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, रिज्यूमे चाहिए, इंटरव्यू रिकॉर्ड एंड वीडियो एसेज एंड टोएफल आईलेट्स का भी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे ही है टोएफल का 120 स्कोर है, इसका तो 9 पॉइंट समथिंग हो जाने से आपको हो जाएगा। 5 डिस्टिंक्ट फुल टाइम एम बी प्रोग्राम है, 1 ईयर 2 ईयर है एम बी ए आई है एंड एम 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 है जे डी एम ए है। सो दिस इज द थिंग, 1 ईयर फुल केलॉग, 1 ईयर 1 फुल टाइम केलॉग प्रोग्राम पर ईयर इसका एडमिशन लेता है। एंड ए सी एस का जो बारे में बात करेंगे हम, 2 ACAs आर रिक्वायर्ड टू एप्लीकेशन दैट केलॉग पर्पज इज टू एडुकेट इक्विप एंड इन एंड दे आर आस्किंग ए सिंपल एसे दैट प्रोवाइड अ रिसेंट एग्जाम्पल व्हायर यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप एंड क्रिएटेड वैल्यू एंड व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस एंड डिड यू लर्न। क्या है ना, इन पूरा नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं बहुत बार कहीं बार इस मेरा जो चैनल का वीडियो है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को हिट करो, ठीक है ना, बेल आइकन को दबाओ एंड सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब ठोको इसको, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं ठोकने से क्या होगा ना, आपको कोई मतलब फ़ायदा नहीं होगा इसमें। तो मैं इसलिए बोल रहा था जो ये नॉर्मल एसेज है वो पूछते रहता है, मैं कई बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। वैल्यूज आर दैट व्हाट गाइडेड अस इन आवर लाइफ एट वर्क एंड व्हाट वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट टू यू एंड हाउ हैव यू इन्फ्लुएंस्ड यू। ओके सो दिस इज द थिंग, सो एंड 1 ईयर एप्लीकेशन आर प्लीज डिस्कस योर पोस्ट एमबीए करियर गोल एंड करेंट एक्सपीरियंस, यू विल लिवरेज
to support the transition, and clock 1 year MBA opportunities that will help you to reach the goal. Okay, so this is the thing basically. So if you have a deep knowledge or deep background, you will automatically get this program. So there is no question of rejection also. You will automatically be selected. That's why I'm telling you that you know, and क्या है ना जी, आपको आपको पता होना चाहिए ना जी, क्या होगा नहीं होगा तभी जाके आपको ठीक लगेगा, नहीं तो वो भी ठीक नहीं लगेगा. ठीक है. रिकमेंडेशन जो है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का तो जरूरत होता है. सिमिलर रोल में क्या किया हो नहीं किया हो, एंड द पीपल हु यू सिलेक्ट टू राइट दिस लेटर्स विल लाइकली टू बी पीपल हु हैव सीन यू मेक एन इम्पैक्ट ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड आवर टीम लव्स रीडिंग अबाउट योर contributions to your organization. So this is the thing. Generally associate director को जो उसको बोलता है, लेकिन कोई कुछ किया होगा, किसी का अचीवमेंट है कुछ, वो उसको पूछता रहता है बार बार. सो एप्लीकेशन फीस इज $250 एटलीस्ट. मोटा मोटी आपको लगभग आज का डेट में है 20,000 से ज़्यादा ही होगा. $250 मतलब सबमिट बाय क्रेडिट कार्ड विद द एप्लीकेशन टू द केलॉग्स एंड यू नो दैट इंटरव्यू विल बी हेल्ड देन इफ यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड. If you will be shortlisted, interview will be held. Otherwise, your interview would not held. So, interview however, virtual interviews are there, and due to high demand of interviews and limited available interviewers, you may receive an interview however. If your interview is waived, the admission committee may contact you if further information is needed to make a decision on your candidacy. Virtual interviews, all interviews are currently virtual. Virtually होता है generally. You will receive an email regarding the status of your interview and scheduling instructions. So this is the thing, and what I am telling you that important date का बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है नहीं है. important date देखिए, आपका full time MBA का जो है application date है September 14, एक तो है decision है December 14 में आ जाएगा. January 10 है 23 में, round 2 का March 28 में आ जाएगा. April 5 है 23 में, May 10 में आपको आ जाएगा. round 1 round 2 दोनों May 10 में complete हो जाए. एंड ट्यूशन फी का बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. ट्यूशन फी जैसे भी हो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है. आपके यहाँ पर पूरा स्कॉलरशिप पूरा दिया हुआ है उसके बारे में जी, कि टोटल मोटा मोटी आपको 90 लाख मैंने आपको लगेगा. ठीक है ना, दैट इज़ फॉर 1 ईयर MBA 1,08,016, फॉर 2 ईयर MBA 78,276. सो डॉलर है ये. सो डॉलर मतलब आपको मोटा मोटी कितना चाहिए, 78 दो साल का MBA के लिए. ओके, इंटू मोटा मोटी आपको 70-72 लाख में आपको हो जाएगा वो चीज़. ठीक है ना, आपको 2 साल का MBA और 1 साल का MBA के लिए आपको मोटा मोटी आपको 93 लाख के लगभग आपको 93 लाख 94 लाख के आसपास पड़ेगा उसको टोटल में जाकर. तो क्या है ना जो मोटा मोटी हो जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन बात एक ही है कि आपको तो हर चीज़ मिल जाएगा ना, आपको सैलरी फैलरी प्लेसमेंट प्लेसमेंट मतलब मान लो आपको 1.5 करोड़ का प्लेसमेंट ही मिल जाएगा आपको केलॉग स्कूल ऑफ बिजनेस. सो आई एम टेलिंग यू इन दिस वे दैट लॉट्स ऑफ स्कोप आर देयर. यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, गो थ्रू द जीमैट एग्जामिनेशन, गो थ्रू द GRE, सो दैट यू विल बी बेनिफिटेड. ओके, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग एंड थिंकिंग अबाउट समथिंग न्यू एंड यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. ओके, सो ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर इंडियन एज बिकॉज यू आर सर्चिंग समथिंग दैट बियॉन्ड यूर अंडरस्टैंडिंग. सो बट दिस इज नॉट गुड आई थिंक, एंड यू मस्ट नो फास्ट एवरीथिंग एंड ऑटोमेटिकली यू विल ग्रो एंड यू विल गेट ग्रोथ विथ लॉट्स ऑफ थिंग्स. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक भाई. मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इसको शेयर करो, इसको लाइक करो, लाइक ठोको दम का, तभी जाके उसको सब कुछ हो जाएगा. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.